पाकिस्तान टीम के T20I कप्तान शाहिन शाह अफरीदी को पाकिस्तान के लिए अभी एक भी मुकाबले में कप्तानी करते हुए नहीं देखा गया है, जबकि उससे पहले ही शाहिन शाह अफरीदी को गलत कप्तान का टैग दे दिया गया है। अब यहां पर शाहिन अफरीदी को गलत कप्तान का टैग किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनके ससुर शाहिद अफरीदी ने दिया है। शाहिद अफरीदी ने यहां पर शाहिन शाह अफरीदी को गलत कप्तान बताते हुए साथ ही में दूसरे खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान की तारीफ में कसीदे पड़े हैं और उनके हिसाब से मोहम्मद रिजवान को ही पाकिस्तान टीम की T20 का कप्तान बनाना चाहिए था। एग्जैक्टली क्या कुछ कहा है शाहिद अफरीदी ने अपनी स्टेटमेंट में वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सोचने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग में शाहिन शाह अफरीदी की कप्तानी में पिछले दो सीजन से लगातार लाहौर कलंदर्स की टीम चैंपियन बनते आ रही है और ऐसे में शाहिद अफरीदी का ऐसा बयान आना वो भी शाहिन शाह अफरीदी के लिए ये जरूर हैरान करके रख देता है। अब यहां से नजर डालते हैं कि एग्जैक्टली शाहिद अफरीदी ने अपने उस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है। उनका कहना है, I admire Rizwan's hard work and focus level, his best quality which I like the most, he is only focusing on his game. यानी कि उनका जो गेम का फोकस है वो उन्हें काफी ज्यादा पसंद है, वो किसी और चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस उनके गेम पर रहता है। फिर शाहिद अफरीदी कहते हैं रिजवान के लिए, ही इज पेइंग नो हीड टू व्हाट अदर्स आर डूइंग, ही इज रियली अ फाइटर। मतलब वो नहीं देखते कि भाई बाकी खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी गेम पर फोकस रखते हैं। ऐसे शाहिद अफरीदी ने पढ़े मोहम्मद रिजवान की तारीफ में कसीदे। अब इसके बाद शाहिन शाह अफरीदी को लेकर क्या कुछ कहा है शाहिद अफरीदी ने वो आपको बताते हैं। I want to see him, Rizwan, as the T20 captain, but mistakenly Shaheen became the skipper. यानी कि वो चाहते तो थे कि मोहम्मद रिजवान T20 के कप्तान बने, लेकिन mistakenly, यानी कि गलती से शाहिन शाह अफरीदी को T20I का कप्तान बना दिया गया है। अब ऐसे में जिस तरह से लाहौर कलंदर्स के लिए परफॉर्मेंस रहा है शाहिन शाह अफरीदी का, ये जरूर सवाल उठाएगा, लेकिन अगर देखा जाए शाहिन शाह अफरीदी को जितनी इंजरीज होती हैं उस लिहाजे से ये भी कहा जा सकता है कि शायद शाहिद अफरीदी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर दूसरी तरफ से देखा जाए मोहम्मद रिजवान के स्टैट्स के बारे में, मोहम्मद रिजवान के बल्ले से पिछले कुछ सालों में हमें आग उगलती हुई नजर आई है T20I फॉर्मेट में। अगर आप स्टैट्स पे नजर डालें रिजवान के T20I परफॉर्मेंस की, 2021 में 29 मैचेस के अंदर 1326 रन रिजवान बनाते हैं 134 की स्ट्राइक रेट से। उसके अगले साल 2022 में 25 मुकाबलों के अंदर 996 रन मोहम्मद रिजवान के बल्ले से आते हैं 122 की स्ट्राइक रेट से। 2023 में पाकिस्तान ने ज्यादा T20I क्रिकेट नहीं खेला, सिर्फ और सिर्फ 5 मैचेस ही खेले हैं। लेकिन यहां पर अब शाहिद अफरीदी का एक ऐसा बयान आना जहां पर वो कहीं ना कहीं शाहिन शाह अफरीदी के अगेंस्ट जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं और यहां से पाकिस्तान ने सिर्फ 10 दिनों के गैप में अपनी अगली सीरीज का आगाज करना है जहां पाकिस्तान न्यूजीलैंड जाने वाला है 5 T20I मैचेस खेलने के लिए। बात सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, यहां तक कि जून के महीने तक अब पाकिस्तान की टीम सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में T20I मैचेस ही खेलने वाली है। तो ऐसे में शाहिन शाह अफरीदी की कप्तानी के कार्यकाल के शुरू होने से पहले शाहिद अफरीदी का उनके खिलाफ एक ऐसा स्टेटमेंट आना जहां पर उन्हें मिस्टेकन कैप्टन कहा गया है शाहिद अफरीदी की तरफ से और रिजवान की उन्होंने तरफदारी की है, आपका क्या कुछ है कहना इस मुद्दे पर? दीजिएगा अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में और लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज और फैंटेसी टिप्स के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक मौजूद है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर भी जरूर जाइएगा। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक फॉलो कर लीजिएगा। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।